ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अकोला में लॉकडाउन के समय पेट्रोल पंप बंद होने के बाद अवैध रूप से पेट्रोल बिक्री होने की बात सामने आई है। पेट्रोल की कालाबाजारी करने वाले लोग वाहन धारकों को प्रति लीटर 120 रुपए के भाव से पेट्रोल बेच रहे हैं। अकोला शहर से जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक उपाय योजनाएं की जा रही है, जिसके तहत जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें पेट्रोल पंप का भी समावेश है। कुछ पेट्रोल पंप को अधिक समय तक खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहाँ कोरोना वॉरियर्स सरकारी वाहनों को पेट्रोल भरने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के आरंभ होते ही वाहन धारक पेट्रोल पंप की ओर दौड़ लगा रहे हैं, परंतु पेट्रोल पंप बंद होने के कारण वाहन धारकों को निराश लौटना पड़ रहा है, जिसका अनुचित लाभ कुछ लोग उठाते नजर आ रहे हैं। रामदासपेट पुलिस थाने की हद में आने वाले एक पेट्रोल पंप के पास अवैध रूप से पेट्रोल की बिक्री होने का मामला सामने आया है। बंद पेट्रोल पंप परिसर में 8 से 10 लोग पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी आरआरसी नेटवर्क को मिली थी, जिसके बाद इसकी तस्दीक करने जब हमारी टीम पहुंची तो साइकिल पर दो बड़ी थैलियों में पेट्रोल से भरी कई बोतलें लेकर एक व्यक्ति जिस प्रकार से आवाज लगाकर सब्जियां बेची जाती है उसी तरह वह व्यक्ति पेट्रोल बेच रहा था। अरे पेट्रोल लेना है भैया, पेट्रोल लेना है। अरे नो यार, क्या विचार कर रहे हो, 40 रुपए का माल इसका, 40 का इसमें है, 40 का माल और 40 का माल है, 80 रुपए दोनों भैया, 100 रुपए तुम्हारे से चलेगा, चलेगा 80 दे दो, ये लो 100 रुपए देंगे भैया, 100 रुपए, 80 रुपए कम है भाई, घर में मेरे ये बहुत कम है, 100 रुपए कम है बाबा, 80 रुपए में लेगा जाएंगे ना तो 120 रुपए देना पड़ेगा आपको, दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो 120 रुपए देना पड़ेगा, 120 ले रहा भाई, 120 रुपए बेच रहा है ना, 120 रुपए का देना, दूसरा 120 रुपए बेच रहा है ना, तुम तो 100 ले रहा भैया, ये 80 रुपए का माल दोनों भरा वो, 80 रुपए का माल दोनों घर में मेरे पड़ा हुआ, मैं तुमसे 100 रुपए देना चाहता हूं। प्रति लीटर 120 रुपए के भाव से वह पेट्रोल बेच रहा था। भावताव करने पर उसने 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए में देने की बात कबूली थी। अन्य लोग 120 रुपए प्रति लीटर के भाव से पेट्रोल बेच रहे हैं, मैं तो केवल आपको 100 रुपए में ही दे रहा हूं, इस प्रकार की कबूली भी पेट्रोल की अवैध रूप से बिक्री करने वाले ने दी। क्या यह प्रकार रामदासपेट पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा है, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है।